हाउ टू रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। ये हमारे ऑडियंस की वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मोस्ट पीपल थिंक कि उन्हें एक महंगे माइक और एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है टू रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल ऑडियो, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ फॉर रिकॉर्डिंग अ प्रोफेशनल वॉइस। आउटपुट इतना अच्छा होगा कि ट्रस्ट मी, एडिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो डोंट वरी, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू विल नीड टू रिकॉर्ड अ गुड ऑडियो। मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली न्यू क्रिएटर्स को, ये लगता है कि वो बिना माइक के अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम सिर्फ अपने स्मार्टफोन के बिल्ट इन माइक से भी हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आई कैन इजिली से दैट योर फोन अलोन इज एनफ फॉर अ गुड वॉइस ओवर। बट अगर पॉसिबल हो देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक सस्ते से कॉलर माइक में जरूर से इन्वेस्ट कर लो। पास एक वॉइस सैंपल भी है, इसे एक बार सुन लो। ये सैंपल रिकॉर्ड की गई है एक माइक के साथ और ये सैंपल रिकॉर्ड की गई है बिना माइक के। सो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि माइक वाली वॉइस की क्लैरिटी बिना माइक वाले से कंपैरेटिवली बेटर है। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट यू शुड गेट इट। नॉइस कैंसलेशन के लिए ये माइक उतना हेल्पफुल नहीं है, सो इसके लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करें साउंड रिकॉर्डिंग ऐप की, तो तुम अपने फोन के डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर का यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज करता हूँ RecForge II, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। माइक और ऐप के बाद अब हमें सेटअप करना होगा एक परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द ऑडियो। एक अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें एक ऐसे जगह की जरूरत है जहां ना ही नॉइज हो और ना ही एको। नॉइज ऑल्दो एडिटिंग से भी रिमूव कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट लाइक टू डिपेंड ऑन एडिटिंग फॉर दिस पर्पस। रिकॉर्ड करने से पहले मैं रूम में डोर, विंडोज, फैन ये सब बंद कर देता हूँ, जिससे नॉइज ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। अगर फिर भी नॉइज है देन ट्राई करो कि बिल्कुल रात में या अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करो, जब एनवायरनमेंट शांत हो। एंड दैट्स हाउ यू रिमूव नॉइज। After this, you'll have to remove echo. मतलब आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। रूम में जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे एको उतना ही कम होगा, और रूम जितना खाली होगा एको उतना ज्यादा। सो इट्स रिकमेंडेड कि तुम अपने रूम को पर्दे, कपड़े, कुशन्स वगैरह से भर दो। पहले से है तो और भी अच्छा है। इसके अलावा इफ यू विश तुम अकूस्टिक साउंड पैनल्स खरीद सकते हो, जो यूट्यूबर्स अपने वीडियोज में यूज करते हैं, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एको रिड्यूस करने के लिए मुझे एक प्रो टिप देना हो तो वो होगा रिकॉर्ड इन अ स्मॉल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक क्लोजेट को कपड़े, कुशन्स, बुक्स इन सभी चीजों से भर सकते हो एंड वहाँ पे अपना फोन रख के रिकॉर्ड करना। यू विल सी कि एको बहुत कम हो जाएगा एंड क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इतना करने के बाद यू आर नाउ रेडी टू फाइनली रिकॉर्ड द वॉइस ओवर। रिकॉर्डिंग जहाँ भी करते हो ट्राई करो कि खड़े होकर रिकॉर्ड करो इंस्टेड ऑफ सिटिंग। खड़े होकर रिकॉर्ड करने से तुम अपनी वॉइस को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे एंड वॉइस ओवर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। फिर स्क्रिप्ट को अपने सामने ले आओ एंड किसी ऐसे जगह रख दो जहाँ उसे पढ़ना आसान हो। इसके बाद माइक को, या फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो फोन के माइक को अपने फेस के क्लोज ले आओ, लाइक 2 to 3 inches के डिस्टेंस पे। ऑल्दो ये नंबर तुम्हारे लिए डिफरेंट हो सकता है, तो देख लेना कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारा वॉल्यूम कितना रहना चाहिए वॉइस ओवर के समय। तो एक चीज़ जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि नॉर्मली जैसे हम डेली लाइफ में लोगों से बात करते हैं, अगर उस वॉल्यूम में रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारी वॉइस बहुत लो एनर्जी साउंड करेगी। इसलिए अगर चाहते हो कि वॉइस ओवर में एनर्जी एटलीस्ट नॉर्मल लगे देन रिकॉर्ड करते समय नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम रखना, इट विल वर्क फाइन। जस्ट लाइक टीचर्स क्लास में कुछ रीड करने के लिए बोलते हैं तो उस समय जितना वॉल्यूम रहता है ऑलमोस्ट उतना ही। अब जब तुम रिकॉर्ड करने लगोगे तो याद रखना कि पूरी स्क्रिप्ट को एक बार में नहीं बट पार्ट्स में रिकॉर्ड करो, टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्क्रिप्ट में 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है तो हर एक पॉइंट के रिकॉर्डिंग के बाद मैं एक ब्रेक ले सकता हूँ फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड उस ब्रेक में आई विल ड्रिंक सम वाटर एज वेल। ये करना स्पेशली जरूरी है अगर स्क्रिप्ट थोड़ी सी लंबी है, सो दैट यू कैन रेस्ट योर वॉइस एंड अवॉइड वोकल स्ट्रेन। एंड दैट्स हाउ यू गेट अ क्रिस्टल क्लियर ऑडियो। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इतना सब करने से हमें एक प्रोफेशनल वॉइस मिल जाएगी? आंसर है येस, बट ओनली 50%। अभी तक मैंने जो भी बताया, अगर तुम वो सब कर लेते हो तो तुम्हारी वॉइस ओवर की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, विच मीन्स उसमें नॉइज, एको, इनकन्सिस्टेंसी इन सारी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगेन, क्या इन सब से तुम्हारी वॉइस इंप्रूव होगी? शायद नहीं। तो जो बाकी का 50% है उसके लिए तुम्हें इम्प्रूव करना होगा द वे यू स्पीक, यानी कि बोलने का तरीका। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना हजारों के माइक और एडवांस एडिटिंग से भी कुछ नहीं होने वाला। बट व्हाई? मैंने जब वीडियोस देखना शुरू किया तो आई ऑब्जर्व कि सारा खेल वॉइस ओवर का था। जिनके वीडियोस पे व्यूज कम थे वो इन 4 चीजों पर फोकस नहीं कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई उनका वॉइस ओवर अच्छा नहीं था। इनफैक्ट, अगर आज तुम भी इन 4 चीजों को इम्प्रूव कर लेते हो देन तुम्हारे वॉइस ओवर्स भी इंस्टेंटली प्रोफेशनल हो जाएंगे। और हाँ, नंबर 1 इज प्रोनाउंसिएशन। बहुत बेसिक चीज है, बट अगर ये सही नहीं होगा तो लोग तुम्हारी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, एंड इवन इफ दे डू वो तुम्हें या तुम्हारे कॉन्टेंट को वैल्यू नहीं करेंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू साउंड प्रोफेशनल देन तुम्हें हर वर्ड को अच्छे से क्लियरली प्रोनाउंस करना होगा विदाउट एनी एरर। पॉइंट नंबर 2 इज स्पेसिंग, मतलब जिस स्पीड से, जिस टेम्पो से तुम स्क्रिप्ट को पढ़ते हो। गलत पेस में बोलने से व्यूअर्स का एक्सपीरियंस बहुत इजीली खराब हो सकता है। लाइक अगर बहुत फास्ट बोलोगे देन लोगों को तुम्हारी बात समझने में प्रॉब्लम होगी, अगर बहुत स्लो बोलते हो देन लोग बोर हो जाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि एक मॉडरेट मॉडरेट पेस में बोलो, ना फास्ट ना स्लो फॉर प्रॉपर स्टोरी टेलिंग। पॉइंट नंबर 3 इज स्ट्रेसिंग द राइट वर्ड्स। स्क्रिप्ट में सेंटेंसेस रीड करते समय तुम सभी वर्ड्स को सेम तरह से नहीं बोल सकते। कुछ वर्ड्स होंगे जिन पे तुम ज्यादा जोर दोगे जिससे वो वर्ड एम्फेसाइज होगा एंड हेंस पूरे सेंटेंस का जो मैसेज है वो व्यूअर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस में अगर मैं हर वर्ड को सेम तरह से पढ़ूंगा तो ये बहुत बेकार साउंड करेगा। What if I tell you कि YouTube पे ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है? As you saw, it doesn't sound good. Okay, अब इस सेम सेंटेंस में कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस डाल के पढ़ेंगे। What if I tell you कि YouTube पे ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है? As you saw, सेम सेंटेंस था बट इस बार सुनने में ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि एम्फेसिस सही था। Also, if you noticed, मैंने बोलने का टोन भी थोड़ा सा बदल दिया which brings me to point number 4. Don't be monotonous. अगर तुम्हारी वॉइस भी बहुत बोरिंग साउंड करती है देन चांसेस है कि तुम एक मोनोटोन में बोलते हो। इनफैक्ट मैं जब न्यू क्रिएटर्स के वॉइस ओवर्स को चेक करता हूँ आई सी कि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल एक मोनोटोन वॉइस वो है जिसमें पूरे स्पीच के दौरान पिच, टोन, वॉल्यूम, पॉजेज ये सब सेम लेवल पे रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस है तो यू कांट जस्ट रीड इट लाइक हाउ टू रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर यूजिंग ओनली मोबाइल एंड फ्यू स्टेप्स। ऐसे बिना टोन के वॉइस को ही मोनोटोनस वॉइस बोलते हैं। सो इसे अवॉइड करो एंड यू विल गेट अ ग्रेट वॉइस। And that's it. I don't think मैंने कोई रॉकेट साइंस बता दिया। ये चारों पॉइंट्स बहुत ही बेसिक है बट अगेन बहुत सारे क्रिएटर्स अभी भी इन चीज़ों में गलती करते हैं। ऑल्सो इन पॉइंट्स को एक एक करके इम्प्रूव करना बहुत हार्ड होता है। सो आई रिकमेंड दैट तुम अपने किसी फेवरेट क्रिएटर की वीडियो को देखो एंड उनके बोलने के तरीके को ऑब्जर्व करो। यू विल लर्न अ लॉट। After all this, let's also talk about editing. सबसे पहले तो अगर तुम्हारे ऑडियो में नॉइज है, सारे डोर्स विंडोज बंद करने के बाद भी नॉइज है देन यू कैन यूज दिस टूल बाय Adobe जिसका नाम है Adobe Podcast. इस पे तुम्हें सिंपली अपने ऑडियो फाइल को इम्पोर्ट करना है एंड यू विल गेट अ हाई क्वालिटी ऑडियो विदाउट एनी नॉइज। इसके अलावा एक ऐप है Lexis Audio Editor जो कि बहुत पॉपुलर है among creators for audio editing. इसमें सिंपली अपने वॉइस ओवर को इम्पोर्ट करो, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन नॉइज रिडक्शन। यहाँ देखो सबसे पहले थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है। इसे जितना बढ़ाओगे नॉइज उतनी रिमूव होगी बट इसे ज़्यादा आगे मत बढ़ाना क्योंकि नॉइज कट होने के साथ तुम्हारी ऑडियो भी कट होने लगेगी। नॉइज रिडक्शन के बाद आ जाओ इक्वलाइजर/एम्पलीफायर में। अब यहाँ जितने भी बार्स लेफ्ट साइड में हैं उनसे तुम बेस और राइट वाले बार्स से ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हो। राइट वाले बार्स ऊपर करने से तुम्हारी वॉइस बहुत क्रिस्पी हो जाएगी और लेफ्ट वाले से कह सकते हो वही क्रिस्पीनेस कम हो जाता है। सो मुझे इन दोनों का बैलेंस रखना है तो मैं स्टार्टिंग के 3 बार्स और एंड के 3 बार्स को ऊपर कर दूंगा लाइक दिस। ये सेटिंग्स तुम भी ट्राई कर सकते हो बट सबकी वॉइस डिफरेंट होती है तो तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। फिर उसके नीचे देखो प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन है। इसके मदद से तुम अपने ऑडियो को लाउड कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग इट टू 2 to 3 डेसिबल्स बट इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ाओगे तो आवाज़ फटने लगेगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम नेचुरली माइक के सामने हल्का सा लाउड बोलो। उसके बाद फाइनली ऑडियो को नॉर्मलाइज करो एंड सेव कर दो एंड देयर यू गो, यू हैव फिनिश्ड द एडिटिंग ऑफ योर वॉइस ओवर। सो नाउ यू कैन यूज इट इन योर वीडियोज़। तो अगर तुम्हें मेरे वीडियोस जैसी एडिटिंग को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखना है तो स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करो। तुमसे वहीं मिलूंगा। बाय।